आज हम आए हैं रेलवे कॉलोनी के अंडर ब्रिज के पास, जहाँ की जनता हर रोज परेशान होती है। हजारों लोग इधर से रोज जाते हैं, उधर से लोग आते हैं और यहाँ पर पानी खड़ा रहता है। करोड़ों रुपए की लागत से अंडर ब्रिज बना है और ये अंडर ब्रिज नहीं है, आगे दूसरा अंडर ब्रिज भी है, उसके नीचे भी पानी खड़ा रहता है। प्रशासन की आंखें नहीं खुलती, हर रोज यहाँ पे बच्चे भी गिरते हैं, बुजुर्ग भी गिरते हैं, चोटिल भी होते हैं, लेकिन सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। मेरी सरकार से अपील है कि इस समस्या का समाधान किया जाए ताकि जनता को पानी में से ना गुजरना पड़े, जनता की व्यवस्था ठीक हो। ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी भी है, लोकतंत्र में सरकार लोगों के लिए बनती है, लेकिन ये सरकार आंखें मूंद कर बैठती है। इस समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए ताकि पानी में से लोगों को निजात हो। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।